ओके, गुड मॉर्निंग 8th क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम 4th चैप्टर जो अभी मैंने आपको करवाया था नेक्स्ट क्लास में, पिछली क्लास में करवाया था, उसको हम आगे और करेंगे। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मटेरियल्स मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स मटेरियल्स मेटल्स हैं, नॉन मेटल। ओके बेटे, मटेरियल्स मेटल नॉन मेटल। मटेरियल्स को जब हम शीट में कन्वर्ट करते हैं दैट इज़ नोन एज मैलेबिलिटी, और मटेरियल्स को जब हम तार में कन्वर्ट करते हैं दैट इज़ नोन एज डक्टिलिटी। मटेरियल्स को जब हम तार में कन्वर्ट करते हैं दैट इज़ नोन एज डक्टिलिटी। ओके बेटा, शीट्स में कन्वर्ट करना मैलेबिलिटी और तार में कन्वर्ट करना डक्टिलिटी। हार्डनेस कैसी होती है मेटल्स की? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जबकि नॉन मेटल कैसे होते हैं? लिक्विड, सॉलिड और गैसेस तीनों होती हैं। मेलेबिलिटी, मेटल्स की मेलेबिलिटी कैन बी कन्वर्टेड टू शीट, और नॉन मेटल्स की नहीं होती मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी। डक्टेबिलिटी प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है, नॉन मेटल की नहीं होती है। मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है जबकि नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो पाती है। ओके बेटा, ओके। अब आप देखिए, व्हाट हैपन व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर इन अ कॉपर सल्फेट कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट में जब हम डालेंगे तो इसको सल्फ्यूरिक एसिड को, तो क्या होगा? आपका कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस उसमें बनेगी। कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ओके। सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर में डालेंगे तो कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज आउट होगी। कॉपर सल्फेट आयरन को मिक्स करेंगे तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनेगा। ओके बेटे, देखिए, जब सल्फ्यूरिक एसिड को पोर करा जाता है कॉपर में, कॉपर में इसको पोर करा जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को, तो क्या बनता है? कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलती है। ठीक है, ये फर्स्ट है। और दूसरा है, जब आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन को डाला जाता है तो क्या बनता है? तो क्या बनता है बेटा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बाइनोम। ओके, नेम द मेटल विच एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। ऐसे मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नेम द मेटल which exist
देखिए बेटा पहले अच्छे से आप, चार मेटल्स कैसे होते हैं बेटा, अभी मैंने बताया था आपको मेटल्स तो हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि जब उसे आसानी से कट जाते हैं, तो ऐसे दो मेटल्स के नाम बताए जो आसानी से कट जाते हैं, दैट इज नोन एज सोडियम।
कोल्ड एंड प्लेटिनियम ऐसे मेटल हैं जो रेडिश ब्राउन कलर, कॉपर मेटल का कलर कौन सा होता है? रेडिश ब्राउन मेटल। What is the color of copper metal? Thank you.
रेडिश ब्राउन कलर। ओके बेटा, राइट डाउन रेडिश ब्राउन कलर। पोटेशियम को बेटा वाटर के अंदर स्टोर क्यों नहीं किया जाता? व्हाई इज पोटेशियम मेटल नॉट स्टोर्ड इन वाटर? ओके, पोटेशियम मेटल को पानी में स्टोर क्यों नहीं करा जाता? बेटा पोटेशियम को पानी के अंदर स्टोर क्यों नहीं करा जाता? पोटेशियम इज रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट विद एयर एंड इवन अंडर रूम टेम्परेचर ऑल्सो। इट रिएक्ट विद वाटर एट रूम टेम्परेचर एंड कैच फायर। ये इजीली कैच फायर कर लेती हैं पोटेशियम, इसलिए इसको पानी में नहीं रखा जाता। पानी के साथ इजीली फायर कैच कर लेते हैं। ओके बेटा, इसलिए इसको पानी में नहीं रखा जाता। पोटेशियम मेटल को पानी में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि वो पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं और आग पकड़ लेते हैं, कैच फायर, इसलिए उसको पानी में नहीं रखा जाता। Why is sodium stored in kerosene oil? और सोडियम को कैरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? सोडियम इज ऑल्सो वेरी रिएक्टिव मेटल, इट इज डेडली कंबाइंड विद ऑक्सीजन विद एक्सपोज टू एयर एंड सम टाइम इट विल कैच फायर। कई बार इसमें भी आग लग जाती है। सोडियम और पोटेशियम easily catch fire in air and water, that is why they are not kept in air and water. इसलिए किसमें रखा जाता है? केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, सेफ रखने के सेफ के लिए केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि ये एयर नहीं और वाटर के साथ easily catch कर जाती है फायर को। एसिडिक ऑक्साइड्स कौन सी होते हैं? दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल एंड गिव्स एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। और बेसिक्स में बेसिक्स क्या है? दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड गिव्स अल्कलाइन और बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, चटनी सिट्रस फ्रूट नॉट स्टोर्ड इन आयरन, नॉट स्टोर्ड इन आयरन एंड एल्युमिनियम यूटेंसिल्स, व्हाई?
यस।